विभिन्न केंद्रों से 4 सॉल्वर्स पकड़े गए हैं। इसके अलावा 2 मास्टरमाइंड भी पकड़े गए हैं जिन्होंने ये ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी बहुत पहले से कर ली थी इसके फर्जिफिकेशन की। उन्होंने सिस्टम ये बनाया था कि जो सॉल्वर्स थे उनकी फ़ोटो ही लगा करके फॉर्म भरे गए थे, तो जिन लोगों ने फॉर्म भरने में मदद की थी वो भी पकड़ के आए हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और साथ ही जिन लोगों के बजाय ये सॉल्वर भेजे गए थे हम उनकी भी तलाश कर रहे हैं, उनमें से भी एक व्यक्ति पकड़ा गया है। इस प्रकार अभी हमारी गिरफ्त में पूछताछ के लिए 7-8 व्यक्ति हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। और द्वितीय पाली की परीक्षा में भी अभी कार्रवाई चल रही है, उनमें भी अगर कोई सॉल्वर पकड़ा जाएगा तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। चेकिंग के दौरान यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज बुलंदशहर में एक अभ्यर्थी दूसरे के स्थान पर परीक्षा देता हुआ पाया गया। दूसरा सिकंदराबाद क्षेत्र में वहाँ एक SM इंटर कॉलेज पर एक परीक्षार्थी के स्थान पर दूसरा परीक्षार्थी परीक्षा देते हुए पाया गया। इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है, जिनको कि हम बोलचाल की भाषा में मुन्ना भाई कह सकते हैं। इनके विरुद्ध एक अभियोग थाना कोतवाली नगर पर राजकीय इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य की तरफ से पंजीकृत कराया गया है। दूसरा अभियोग थाना सिकंदराबाद पर वहाँ के केंद्र प्रभारी के द्वारा पंजीकृत कराया गया है। GIC इंटर। क्या करते भाई? मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। नहीं करते भाई, क्या पकड़े गए हैं? मैं दूसरे के जगह पे परीक्षा देता हूँ। बबलू कुमार। कहाँ का रहने वाला? अली का। किसकी परीक्षा देना आया था? नरेंद्र सिंह जी की। पिटेट कितने रुपये में बात हुई थी? सर अभी पैसे ऐसे नहीं दिए, 50 में बात। बिल्कुल, ये जांच कराई जा रही है। एक दो जगह से शिकायत आई है कि कुछ अफवाह के रूप में अभी सामने आई है बात, लेकिन हम लोग हर ऐसी बातों में गंभीरता से ले रहे हैं और तत्काल वहाँ पर टीम भेज जा रही है। क्या सर आप लोगों के द्वारा देखा गया है कि परीक्षा प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न हैं? यहाँ पर तो अभी हमने देखा है, यहाँ पर बहुत शांतिपूर्वक यहाँ परीक्षा चल रही है और कहीं कोई समस्या नहीं। ये थाना इगलास क्षेत्र में एक चाचा कंप्यूटर नाम की दुकान है इगलास कस्बे में। कल शाम को पुलिस द्वारा वहाँ चेकिंग करते हुए अंदर एक चाचा कंप्यूटर में एक व्यक्ति जिसका नाम राम प्रसाद सुमन है कुछ ID बनाते हुए मिला। जब पता किया गया तो आज जो टेट का एग्ज़ाम होने वाला था उसके जो प्रवेश पत्र थे उस पर ये अपना किसी एक व्यक्ति की जगह दूसरे व्यक्ति का फ़ोटो लगाते हुए मिले। जब इनसे जानकारी की गई तो बताया कि इनके द्वारा कुछ लोगों के जो आज प्रवेश पर होनी थी टेट परीक्षा होनी थी उसके ID चेंज किए गए, फ़ोटो ID, और एक व्यक्ति की जगह दूसरे व्यक्ति को बैठाने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से और कुछ मार्कशीट मिली है जिन पे इन्होंने डेट ऑफ बर्थ चेंज किए, कुछ में फ़ोटो भी चेंज किए हैं। इसके अलावा करेक्टर सर्टिफिकेट SSP द्वारा प्रमाणित की कॉपी और कुछ उत्तर प्रदेश सरकार के लोगों भी मिले हैं। इस तरह ये व्यक्ति कुल मिलाकर फोर्स डॉक्यूमेंट बनाने का काम करता था। इनसे पूछताछ के दौरान इन्होंने 3 व्यक्तियों के नाम बताए हैं जो इन्होंने ये फर्जी काम कराने के लिए इनको ये देते थे। उनकी भी पुलिस द्वारा दबिश डालकर उनको भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इनके पास जो भी डाटा मिला है उसके आधार पर इसमें और भी जानकारी की जाएगी और जो जो व्यक्ति इसमें संलिप्त मिलेंगे यानी जिसने भी फोर्स डॉक्यूमेंट बनवाया होगा उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी।